गृह युद्ध झेल रहे सीरिया के जनता पर एक और आफत आ चुकी है। टैंक हवाई बमबारी के बाद अब लोगों पर रासायनिक हमले यानी कि केमिकल अटैक होने लगे हैं। सीरिया में जो केमिकल अटैक हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई बच्चों तक की जान चली गई है। सीरिया में आसमान से बरसी मौत, सीरिया में बच्चों पर केमिकल अटैक, मासूमों का कब्रिस्तान बन गया एक इलाका। सीरिया के इदलिब में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं के बादल छटे तो चारों तरफ मौत पसरी हुई थी। मासूम बच्चों की चीख पुकार से इदलिब कांप रहा था। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था, किसी का दम घुट रहा था, कुछ बेबस पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। मौत की भयानक तस्वीर सीरिया के इदलिब की है, जहां संदिग्ध केमिकल अटैक ने करीब 100 लोगों की जान ले ली। इस हमले में मारे गए लोगों में कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। धमाके की जगह पर कोई गंध नहीं थी, लेकिन लोग जमीन पर गिरे थे, कुछ चल पाने की हालत में नहीं थे, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये हमला विद्रोहियों के कब्जे वाले खान शेखान में हुआ है। सैकड़ों लोग अब भी अस्पतालों में एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे बशर अल असद की सरकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बशर अल असद की तरफ से किया गया एक घिनौना काम बराक ओबामा की कमजोरी का नतीजा है। फ्रांस ने इस हमले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाने की अपील की है। सीरिया ने आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उनके पास कोई रासायनिक हथियार नहीं है। इससे पहले भी असद सरकार पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। सीरिया में मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। बहुत जल्दी विद्रोह गृह युद्ध में बदल गया, जो आज भी जारी है। बीते 6 साल से जारी हिंसा में अब तक 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। उस समय सीरिया की आबादी 2,30,00,000 थी। इस बीच करीब 40,00,000 लोग देश छोड़ चुके हैं, 80,00,000 देश में ही विस्थापित हुए हैं, लाखों लोग लेबनान, टर्की और जर्मनी में शरण ले चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश बशर अल असद को राष्ट्रपति पद से हटते हुए देखना चाहते हैं। वहीं रूस और ईरान असद का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस केमिकल अटैक के पीछे सीरियाई सेना थी या विद्रोही थे, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन केमिकल अटैक के जख्म सीरिया की गलियों में साफ दिख रहे हैं। लगातार बमबारी से सीरिया के बड़े शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।